शुरू होना हमारे ओवर अस्सलामुअलैकुम एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली फॉर यू। अच्छा यार, उम्मीद है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर यू का हर फैमिली मेंबर बिल्कुल हैरियत से होगा और वो बहुत अच्छे से अपने इन खूबसूरत लम्हात को सेलिब्रेट कर रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज ईद के फोर्थ डे पे आपका ये खूबसूरत सा व्लॉग मरी मार रोड से शूट होने जा रहा है। आई थिंक 25th of April है, 2023 है। बहुत खूबसूरत किस्म के मनाजिर हैं यार। मैं इंतज़ामिया का दिल की गहराइयों से बहुत 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 थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने आज यार ये जीपीओ की लाइट्स ऑन की। देखें, ये जब हमने शुरू में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे रोज़ाना की बेस पे, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बेस पे लाइट्स ऑन होती थी जो कि बहुत खूबसूरत मंजर क्रिएट करती थी। आपने वीडियो के इंट्रो में देखा होगा, ये सामने लगी हुई है ये लाइट्स, जो लाइट ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है सामने दीवार पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है यार। मैं दोनों में आपको कंपैरिजन करके बताना चाह रहा हूँ। देखें, ये छोटा सा क्लिप मैंने आज लिया है लाइट्स ऑन होते हुए, और इससे पहले हम रोज़ाना की बेस पे आपको व्लॉग्स प्रोवाइड करते आ रहे हैं। इससे पहले के जो क्लिप हैं वो आप देखें कितने बुरे लग रहे हैं, और ये आज का कितना खूबसूरत लग रहा है यार। सो मैं अपनी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज से तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि कब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उस टाइम पे रोज़ाना की बेस पे यार ये लाइट्स ऑन होती थी जो कि देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। सो मैं अपनी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रोज़ाना की बेस पर इन लाइट्स को। जी सर जी, क्या कहना चाह रहे हैं? चैनल है, आ जाएँ, कुछ कहना चाह रहे हैं तो आ जाएँ। सर असल में मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, आ जाएँ यार, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था यार कि ये रोज़ाना की बेस पे लाइट्स ऑन होनी चाहिए ताकि हमारी टूरिस्ट को अच्छा लगे, हमें अच्छा लगे। यकीन करें बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा होता है देख के। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तो मैं अपने दिल को खुश करके एक बहुत खूबसूरत सा व्लॉग का स्टार्ट लेना चाहूँगा। सो इसी तरह यार अल्हम्दुलिल्लाह माल रोड पर काफ़ी ज़्यादा रश हमें देखने को मिल रहा है, जो कि देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह हम आगे माल रोड पे मूव करते जा रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा है, इस रश से गुजरते हुए हमें टाइम लगेगा। सो मैं भी हमारा ये व्लॉग 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी हो जाए, क्योंकि इतनी रश से गुजरते हुए टाइम लगता है। वैसे तो हम रोज़ाना की बेस पे आपको जो व्लॉग प्रोवाइड करते हैं वो एक ही वीडियो में तकरीबन कवर कर लेते हैं। एक मिनट भाई, मैं फ्री होके हटूँगा। एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश होगी कि इसको 2 पार्ट्स में हम कवर कर लें, क्योंकि रोज़ाना की बेस पे बड़ी बड़ी वीडियोस अच्छा नहीं लगता। सो आज इंशाल्लाह 2 पार्ट्स में हम छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह पूरे माल रोड को कवर करेंगे। ये जी। माशाल्लाह यार, बहुत ज़्यादा रश है। जी बताएं। जी, क्या नाम है भाई चैनल का? भाई का ओनली फॉर यू। हाँ जी, ओनली फॉर यू नाम है। सब्सक्राइबर देख लीजिएगा ना, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? अच्छा माशाल्लाह, घूमने के लिए आए? जी हाँ। कैसा लगा हमारा मरी? बस ओके। रूम लिए? जी हाँ, अभी घूम रहे हैं। अभी रूम लिया आपने? अभी ले लिया। कितने में लिया है? 3,000 में। कहाँ पे? अच्छा, यानी कि माल रोड से हट के थोड़ा गाइड कर सकते हैं कहाँ पे?
आज से इशारा वो कॉर्नर जी जी ये बिल्कुल नीचे है फैसल बैंक से नीचे हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह 3000 में आपको मिल गया मुनासिब मिला है बाकी बकाया मार रोड फिर 7000-8000 इस तरह रेट्स चल रहे हैं। चलो ठीक है भाई को सब्सक्राइब करो ओके बाय थैंक यू। अच्छा यार ये भाई ने मुझे वापस बुलाया शायद कुछ कहना चाह रहे थे आप लोगों को ये भाई सो आप लोगों को इनका एक्सपीरियंस कैसा लगा चलते हैं आगे मार रोड पे मूव करते हैं। ये हमारा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यार माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये देखें मार रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियां इंटर होती जा रही हैं। वैसे वोकेशंस तो तकरीबन सब लोगों की खत्म हो चुकी हैं सुबह हमने भी यूनिवर्सिटी जाना है लेकिन आप देख सकते हो अभी भी हमारे पार्किंग प्लाजा जो हैं वो फिल होते जा रहे हैं बार बार फिल होते जा रहे हैं बार बार खाली होते जा रहे हैं सो अच्छा लग रहा है। वैसे इस ईयर यार बहुत ज़्यादा रश हमें देखने को मिला हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको पता है हर साल रोजाना हर साल तकरीबन मरी के साथ ना बायकॉट हो रहा है सो इस बायकॉट की वजह से काफ़ी लोग जो डिसहर्ट होते हैं वो फिर मरी कम ही आते हैं लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इस टाइम पर हमें रश देखने को मिल रहा है। यार ये जीपीओ की खूबसूरती फिर से देखें आप स्क्रीनशॉट ले लें माशाल्लाह। वसीम क्या हाल है ईद मुबारक आज आपने ऑडियंस को कहना है यार सब ऑडियंस को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक सिर्फ ईद मुबारक नहीं दिली ईद मुबारक और भाई के लिए दुआ करते रहना अक्सर आपके खिदमत में मैं पेश होता हूँ तो ये निशान भाई की मेहरबानी है जो हमें बार बार दिखाते हैं आपको तो आपसे एक अर्ज है कि आप हमारे लिए दुआ कर दें बस। बकाया रश क्राउड के बारे में क्या कहना चाहिए रश के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि भाई फैमिली तो कम है इसमें जो है ये है कि फैमिली बहुत कम आई है जो लड़के वगैरह हैं ज्यादा हैं तो ज्यादा जो है लड़के आपको पता है जैसे कि लड़के आते हैं मस्ती वस्ती करते हैं यहाँ पे मतलब कि इन लड़कों की वजह से यहाँ पे मरी में कहते हैं कि यार मरी वाले बुरे नहीं है ये लड़के आप मैं अभी यहाँ पे पहनूँ आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि यहाँ पे लड़का कोई ना कोई बगैरती करके जाएगा पर नहीं हम लोग ऐसे हमारा काम ऐसा है कि हम किसी के साथ बोलते नहीं हैं। फिर दूसरा ये है कि फैमिली अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है फैमिली अच्छे तरीके से मिलती है आगे बहुत प्यार से तरीके से जो तो बाकी ये फैमिली लड़के जो हैं इस तरह थोड़ा एग्जैक्टली माशाल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए यार ताकि हम अपने पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट कर सकें बिल्कुल यहाँ पे ताकि हमारे कोई मेहमान आए तो वो डिसहर्ट होके ना जाए। थैंक यू माशाल्लाह यार ये भाई ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि यहाँ पे जो हमारे नौजवान बॉयज आते हैं वो मरी को बदनाम करके जा रहे होते हैं मरी से लोगों को डिसहर्ट करवा रहे होते हैं सो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है यार प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि कल के व्लॉग में भी मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस की थी कि यार हमारे जो नौजवान हजरात हैं वो यार बिल्कुल ना अपने गांव को प्रेजेंट करवा रहे होते हैं यहाँ पे आके अगर वो बदतमीजी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मरी का नाम बदनाम कर रहे हैं बल्कि वो जहाँ से आए हैं वहाँ का भी नाम बदनाम कर रहे हैं सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे जो फैमिली वाले लोग हैं उनका इज्जत एहतराम करें आप ताकि वो यहाँ से डिसहर्ट होके ना जाएं लेकिन वो डिसहर्ट होके जाते हैं हम मरी वालों से भी वो बायकॉट करते हैं और फिर इस तरह सिर्फ मेरा नुकसान नहीं है मरी वालों का नुकसान नहीं है ये आप लोगों का भी साथ में नुकसान है। देखें हमारे मरी में या पूरे पाकिस्तान में टूरिज्म अगर प्रमोट होगी तो इससे अकेले मुझे रश है बहुत ज़्यादा तो कट लेना पड़ा मैं ये कहना चाह रहा था लेकिन अगर पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट हो जाती है ना तो जस्ट मेरा फ़ायदा या मरी वालों का फ़ायदा नहीं है बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा है। देखें ना लास्ट टाइम हमारी KUM कोसार यूनिवर्सिटी मरी का जब हमारे सबका वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जब इफ्तिताह करने आए थे ना सो उन्होंने हम मरी वालों को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट किया था उन्होंने पॉइंट आउट करके कहा था कि यार आप मरी वालों के पास ना ये मरी एक दौलत है मैं मफहूम बयान करूँ खुलासा बयान करूँ एग्जैक्टली तो मुझे अभी नहीं याद होगा कि उन्होंने कैसी वर्डिंग यूज़ की थी लेकिन उन्होंने हमें बड़ा पॉइंट आउट किया था
कि यार आप मरी में ना टूरिज्म पे काम करके अपने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हो। देखें मरी अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैंने तकरीबन ना यहाँ से कोहाला से लेकर आगे, इतना कश्मीर वाली साइड पे मैं नहीं गया, कोहाला से लेकर कराची तक पाकिस्तान को घूमा है। ये बलूचिस्तान वाली साइड ये वो नहीं घूमी अभी तक, इंशाल्लाह घूमेंगे। तो मैंने देखा है ना कि मरी जैसा इलाका यार कहीं नहीं है। जस्ट यहाँ पे मुझे खूबसूरती की वजह से मैं मरी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यार इसमें फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं दूसरे टूरिस्ट पॉइंट की बनिस्बत। मरी बहुत बेहतर रहता है बंदे के लिए। सो इसलिए मैं अपने पाकिस्तान को, अपनी मरी को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इस चैनल पर वर्किंग करते हुए ना इसको पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे, पूरे पाकिस्तान से हम वीडियोज इस पर प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड के सामने हम अपने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे होंगे, जिससे इंशाल्लाह टूरिज्म प्रमोट होगी। दिन तो ये ऐसे हैं, इतनी हमें बात इस पर नहीं करनी चाहिए थी, खुशी के दिन हैं, खूबसूरत दिन हैं। सो ज़्यादा बात भाई ने ऐसी बात कर दी तो मुझे ऐसी बात करनी पड़ गई। सो मैं अपने तमाम आए हुए मेहमानों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार प्लीज़ SOPs का ख्याल करते हुए यहाँ पे मरी में आप घूमें फिरें, इंजॉय करें, एक्सप्लोर करें, ताकि हमसे कोई डिसहर्ट ना हो। बकाया रूम रेंट भी मैं आपको गाइड करता हूँ, लेकिन व्लॉग लंबा हो चुका है, 7-8-10 मिनट का आई थिंक हो चुका है। सो इसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं कि आजकल क्या रूम रेंट चला है। वैसे तो आपको भाई ने गाइड किया, चलें यहाँ पे ही कर देते हैं यार रूम रेंट गाइड में आपको, ताकि नेक्स्ट व्लॉग अगर कोई नहीं देखना चाह रहा तो उसको तकलीफ ना हो। जैसे भाई ने आपको बताया माल रोड से हट के 3000 में इजीली रूम मिल रहा है, और इसी तरह अगर आप नीचे जनरल बस स्टैंड पे चले जाओ वहाँ पे 2000 में भी आपको रूम देखने को मिल सकता है। सो माल रोड से हट के ना, जैसे कि आपको मैंने गाइड किया है हर दफ़ा ही, हर व्लॉग में मैं आपको गाइड करता हूँ, माल रोड से हट के रूम आपको काफ़ी ज़्यादा मुनासिब मिल जाता है, यानी कि 3000-4000 माल रोड के करीब ही। लेकिन अगर आपकी ज़िद है माल रोड पे लेना है तो माल रोड पे बहुत सारे होटल्स हैं जिनका नेम लेके मैं आपको प्रमोट तो नहीं करना चाहूँगा। काफ़ी सारे व्लॉग्स में, अभी आज के व्लॉग्स में भी आपने होटल्स को देखा, सो उन होटल्स में ना अभी जो रूम रेंट चल रहा है वो 7000-8000-10000 इस तरह चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रश क्राउड देख के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, हमारे होटल्स जो है ना वो कम्प्लीटली पैक हो चुके हैं, बिल्कुल कोई भी रूम्स खाली नहीं है। सो इस वजह से ये जो होटल्स मालिकान है ना, ये आपको रूम का रेंट कम नहीं कर रहे होंगे। रूम के रेंट आजकल की डेट में फिक्स हैं 7000-8000 इस तरह। और अगर आप थोड़ा सा हट के ले लेते हो, यानी कि नीचे जनरल बस स्टैंड की तरफ, वहाँ पे होटल फिल नहीं है, पैक नहीं है, तो वहाँ पे आपको मुनासिब देखने को मिल सकते हैं 3000-4000 इस तरह। सो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपका बजट कम है तो आप नीचे जनरल बस स्टैंड वाली साइड पे मूव कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपको मुनासिब रूम रेंट देखने को मिले। और यहाँ से हम अपने व्लॉग का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं।